सबसे बेहतर तो बाल कांग्रेस काम कर रही है, उनमें ज्यादा उत्साह नजर आता है। यह बात पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गुरुवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कही। बैठक में विधायकों, विधानसभा, लोकसभा, मेयर के पूर्व प्रत्याशी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी के अलावा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। कमलनाथ ने स्पष्ट कहा कि यदि आपके पास पार्टी और संगठन के लिए समय नहीं है तो अभी बता दो, ऐसे पदों पर हम दूसरे मेहनती लोगों को मौका देंगे। कमलनाथ इस दौरान सही तरीके से काम नहीं करने वालों पर जमकर उखड़े हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को 5 नगर निगमों में मिली सफलता के बाद अब जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती के प्रयास तेज हो गए हैं। कमलनाथ ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की कमान अपने हाथ में ली है। वे विधायकों और व्यक्ति विशेष के बजाय संगठन की कमान जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के हाथों में सौंपने की तैयारी में है। विधायकों से जिलाध्यक्षों का प्रभार वापस लेकर फुल टाइम वर्कर को जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी जा रही है। ये मिशन 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हुए, उसमें हमको बड़ी सफलता मिली है। हम 5 नगर निगम जीते हैं, पंचायत चुनाव हम जीते हैं, तो जनता हमारे साथ है, जन समर्थन हमारे साथ है। 2023 को लेकर बैठक है, जितने नए जिला प्रभारी बनाए गए उनको बुलाया गया, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। तो मिशन 2023 का क्या रोडमैप हो, क्या रणनीति हो, किन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएं, किन भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करें, इन सब पे चर्चा होगी। साथ ही दिल्ली में जो 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली होने वाली, उसमें भी इस बैठक में चर्चा होगी। जो कमजोर परफॉर्मेंस को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं जिलों से, उनकी समीक्षा होगी और समीक्षा के आधार पर कार्रवाई होगी।